videos, please subscribe, like and share. ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखने वालों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर है। दरअसल 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति पर्व पर 29 साल बाद शनि और सूर्य ग्रहों का मिलन होगा, जिसका चार राशि वालों पर विशेष रूप से शुभ असर देखने को मिलेगा। आखिरी बार ऐसा संयोग साल 1993 में देखने को मिला था। शनि 30 वर्ष में अपना राशि चक्र पूरा करता है और सूर्य का पुत्र शनि से 29 साल बाद मिलन होगा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य और शनि ग्रह एक साथ मकर राशि में विराजमान होंगे, जिसके चलते धनु, मीन, सिंह और मिथुन राशि वालों की किस्मत पलट सकती है। इस गोचर से 29 साल बाद एक खास संयोग का निर्माण होने जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य शनि का यह दुर्लभ संयोग चार राशियों को बहुत फायदा देने वाला है। मकर संक्रांति पर्व पर चार राशि वालों की किस्मत पलट सकती है, जिसमें से पहली है धनु राशि। लंबे समय से मन में चली आ रही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे छात्रों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। कारोबारी वर्ग के लिए लाभ के अवसर पैदा होंगे और साथ ही साथ मेहनत करें तो बैंक बैलेंस भी बढ़ सकता है। इसके बाद बारी आती है मीन राशि की। लंबे समय से खराब आर्थिक हालात से जूझ रहे लोगों की आर्थिक तंगी दूर हो सकती है। इस राशि के लोगों को आर्थिक मोर्चे पर मजबूती मिलेगी, आमदनी में वृद्धि होगी और आय के स्रोत बढ़ेंगे। सरकारी कार्यों में कामयाबी हासिल होगी। मनोवांछित फलों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसके बाद बारी आती है सिंह राशि की। सूर्य शनि की युति इस राशि के लोगों के लिए करियर के नए रास्ते खोलेगी। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और पदोन्नति व आय में वृद्धि के योग बनेंगे। कार्यों में सफलता और प्रशंसा मिलेगी। ऑफिस कारोबार में नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ने के अवसर पैदा होंगे। और अब आती है बारी मिथुन राशि की। नौकरी पेशा लोगों को उच्च पद मिल सकता है और आय बढ़ने के योग बनेंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। मेहनत और एकाग्रता के साथ किए गए कार्यों में निश्चित तौर पर कामयाबी हासिल होगी। अपने कार्य करने की क्षमता से बॉस को प्रभावित करने में सफल होंगे। तो ये तो बात थी उन राशि वालों की, जिनके बारे में हमारे शास्त्र इस बार कहते हैं कि इन राशि वालों की किस्मत चमकेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कर्म और किस्मत दोनों एक दूसरे के साथी हैं। बिना कर्म किए किस्मत में लिखी हुई बातें भी अधूरी रह जाती हैं। इसलिए कर्म से पीछे हटना बहुत बुरा होता है। अपना कर्म साथ साथ करिए और भाग्य पर भी भरोसा रखिए। दोनों ही चीजें अगर साथ में चलती हैं तो क्यों नहीं, हर काम पूरा होगा। जय श्री राम।